हेलो फुले सर। यस सर। ये क्या कर रहे हो सर? इसको देखे तो बड़े बड़ों का पैंट गीला हो जाता है। अरे तुम्हारा गीला नहीं ना हुआ? नो सर, अभी नहीं हुआ है। तो मैं आपको इसको बताता हूँ ट्रिक। देखो इधर, अगर ए रेशियो बी, बी रेशियो सी रेशियो डी, डी रेशियो ई दिया हो और सबका मान निकालना हो तो इसका ट्रिक होता है, पहले सीधे खड़े खड़े गुना कर देंगे तो 4 × 3 = 12, ये 36 हो जाएगा। 36 लिख लेंगे और थोड़ा पीछे हो जाओ, ओका बाद 36 हो गया तो लिख देंगे, ओका ए में से को कटी, ए में से को सटी, 4 × 4 = 1 और 3 को गुना करेंगे, 4 × 16 = 48 हो जाएगा ना, 48 × 48 तो लिख लेंगे 48। ओका फिर रेशियो, फिर ए में से कटी, ए में से को ई सटी, अब इसको ऐसे गुना करेंगे नहीं तो 5 × 20 = 21, 20 × 23 = 60 हो जाएगा ना, तो 60 लिख लेंगे। ओका फिर ए में से वो कटेगा, फिर ए में से वो सटेगा तो 4, 5, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 5 × 20 × 40 ये 120 हो जाएगा ना। Yes, sir. 120 फिर रेशियो का साइन देंगे, अभी वो काट देंगे, अब सलग्य गुना कर देंगे खड़े खड़ी, 5 × 20 × 80 × 160 ना। Yes, sir, 160। अगर सब कितना से कटा है? 4 से, जिससे कटेगा काट देंगे, छोटा कर लेंगे, 4 से सबको काट दो, 4 × 9 = 36, 4 से होगा 12, रेशियो का साइन है ये, 4 से कटेगा 15, 4 से कटेगा ये कितना मरते में बताओ जल्दी से, 30 मरते में, 4 से कटेगा कितना मरते में, 4 × 140 मरते में ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भर भर के कमेंट। कैसे आएगी? हेलो फुले सर। यस सर। क्या कर रहे हो सर? इसका ऐसा ट्रिक बताइए ना कि दोनों को छोड़ के चली गए वापस आ जाए। अरे तो तू टेंशन क्या लेते हैं, मैं बताता हूँ। चलो देखो इधर, अब भी आइए इधर देखिए इसका ट्रिक। देखिए जब भी किसी संख्या के आखिरी अंक का योग 10 हो, 8 × 2 कितना होता है? 8 × 2 = 16। 8 × 2 कितना होता है जोड़ेंगे तो? 8 × 2 = 10। इसलिए ना छोड़ के चले गए, ये गलती बोलते हैं। 7 × 3 कितना होता है? 7 × 3 = 10। 7 × 3 = 10 होता है और 9 × 1 = 10 होता है। जब भी किसी संख्या के लास्ट के जोड़ने पर 10 हो और शुरू वाला संख्या सेम रहे, शुरू में सेम है कि ना है? यस सर। शुरू में सेम है कि ना है? यस सर। शुरू में सेम है और शुरू में सेम है, इसके लिए ट्रिक होता है। तो आइए मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए लास्ट को गुना करना, 8 × 2 = 16 तो 16 लिखिए, थोड़ा पीछे खसक जा, थोड़ा पीछे खसक जा, 16 और ए वाला में ना एगो बढ़ा देंगे, 9 है तो को बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर 9 से गुना करेंगे, 10 × 9 = 90 तो 90 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखो अब इसको इसको गुना करेंगे तो 7 × 3 = 21, लास्ट वाला को गुना करना है तो गुना कर रहे थे 21 और इसमें को बढ़ाना है तो 8 से कितना हो जाएगा 9, 9 में फिर 8 से गुना करना है, 9 × 8 = 72, हाँ इधर देखना है 72, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये भी उसी ट्रिक पर बनेगा। तो आइए दोस्तों मैं इसको देखता हूँ, तो ये क्वेश्चन देखिए लास्ट को जोड़ने पर 3 × 7 कितना होता है? 10 और इसको 11 है, यहाँ यहाँ 11 दोनों क्या है? सेम है, शुरू वाला अक्षर क्या है? सेम है और लास्ट को जोड़ने पर 10 आता है, इसमें भी ट्रिक लगेगा। तो 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21, यहाँ लिख देंगे 21, थोड़ा पीछे कर सक जाओ 21 और 11 है ना, तो एमए को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, अब 12 में 11 से गुना करेंगे तो आएगा 132, तो 132 लिख देंगे, 132 दो है, ये इसका क्या जाएगा? आंसर जाएगा। दोस्तों यदि ये तीनों समझ में आए तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसको छोड़कर आप लोग मत जाइए, दिल टूट जाता है, ठीक है, फिर भी ढूंढते रहिएगा, मिल जाएगा लेकिन इसका दिल नहीं जुटेगा, लो मत रो। मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा।